सब्सक्राइब कीजिए हमारे ई कॉमर्स आइडियाज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे नए वीडियोस का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक, वेलकम टू आवर चैनल ई कॉमर्स आइडियाज पे। और आज वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि फ्लिपकार्ट की अकाउंट सस्पेंड को लेकर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्लिपकार्ट के अकाउंट सस्पेंड को लेके बहुत सारे क्वेरीज आप लोगों को रिसीव हो रहा है। फ्लिपकार्ट या मार्केट प्लेस अकाउंट सस्पेंड को लेके किस वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है और इसका सलूशन क्या है? तो कुछ कारण है, बहुत सारे ऐसे कारण है जिसके वजह से आपका जो फ्लिपकार्ट अकाउंट है वो सस्पेंड हो सकता है। बहुत ऐसा सेलर्स है जो पहले उनको इस पॉलिसी के बारे में जब आप रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पे पॉलिसी के बारे में बता दिया जाता है मार्केट की तरफ से, बट कोई ध्यान से वहाँ पे देखता नहीं है, जस्ट ऐसे ही वो स्किप कर लेता है जो सेलर्स है, नए जो सेलर्स ज्वाइन करते हैं। तो उसके बाद बहुत सारा उनका जो प्रॉब्लम होती है उसके ऊपर, जिसके कारण उनका अकाउंट सस्पेंड होता है या अकाउंट होल्ड होता है, तो उस बहुत सारा कुछ वजह रहता है उसके ऊपर जो पहले हम लोग ध्यान नहीं देते अकाउंट रजिस्टर करने के टाइम। तो किस किस कारण से आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो सकता है, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा डिटेल में, और क्यों इसका सलूशन क्या है, कैसे आप उसको रिजॉल्व करेंगे, और क्या जो अकाउंट अगर सस्पेंड होगा तो क्या वो आप रीएक्टिवेट कर सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैं बताऊंगा, सबसे पहला जो इशू होता है, सबसे पहला जो फॉल्ट होता है सेलर की तरफ से, नए सेलर की तरफ से, कि उन लोग जब प्रोडक्ट सेल करते हैं या ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड, तो नॉन ब्रांडेड के लिए आप अपना जो प्राइवेट लेबल ब्रांड है उस पर आपको सेल करना होता है, बट जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है उनको आपको ब्रांड ऑथोराइजेशन लेटर या तो फिर आपको इनवॉइस आपको वहाँ पे देना होता है। तो बहुत ऐसा सेलर्स है जो ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करते हैं, कुछ ऐसे जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कर देते हैं, बट उसका कोई भी क्रॉस चेक नहीं करता है कि वो इनवॉइस की कंपनी की तरफ से ही है, ओरिजिनल है कि नहीं, या जो ब्रांड ऑथोराइजेशन लेटर आप दे रहे हो क्या वो ओरिजिनल है कि नहीं। कोई ऐसा क्रॉस चेक नहीं करता है जो प्रोडक्ट सेल करने के लिए, वो ओरिजिनल प्रोडक्ट ही वहाँ पर लिस्ट कर देता है। कोई भी कंपनी की तरफ से कोई भी कंप्लेन आए उस ब्रांड के तरफ से, तब जाके आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, क्योंकि आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट आप मार्केट को सबमिट कर नहीं पाते और आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो उस ब्रांड ऑथोराइजेशन लेटर आप सबमिट करें, हो सके तो डायरेक्टली कंपनी से आप ब्रांड ऑथोराइजेशन ले, या तो जो ब्रांड ऑथोराइजेशन जो डीलर है, जो सेलर है, उनसे आप उसका, अगर वो दे पाए तो उनसे ले। अगर नहीं हो आपके पास कोई भी आपका जो ब्रांड ऑथोराइजेशन आपको नहीं मिल रहा है, किसी भी कारण से आपको दे नहीं रहे हैं, तो आप ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करना ही स्टार्ट ना करें, क्योंकि बाद में अगर आप फिर से आप दूसरा कोई भी GST इनवॉइस या कोई भी पेपर से आप स्टार्ट करेंगे तो बाद में प्रॉब्लम होगा, तो आप उसका सबमिट कर नहीं पाएंगे और आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा मार्केट प्लेस की तरफ से। तो पहले कोई भी प्रॉब्लम हो आप ब्रांड की तरफ से हो या कोई भी इशू हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको 7 डेज के लिए आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा मार्केट प्लेस की तरफ से। उसके बाद आपको 14 डेज, उसके बाद 21 डेज, और 4th टाइम में आपका पूरा अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। आप अपने GST नंबर से, आप अपना पैन डॉक्यूमेंट से कभी भी मार्केट प्लेस में अकाउंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे सेम डॉक्यूमेंट में। तो आप पहले से ध्यान में रख के चलिए कि जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं क्या वो ब्रांडेड है, तो उसको प्रॉपर पेपर्स रेडी करके आप लिस्ट कीजिए, या तो आप उससे दूर ही रहिए, आप नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट लिस्ट कीजिए ताकि आपको अकाउंट का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दूसरा पॉइंट, आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ब्रांड नॉन ब्रांडेड हो या जो प्रोडक्ट आप दे रहे हैं वो अच्छा प्रोडक्ट है कि नहीं। अगर ऐसा होता है कि जो आप ब्रांडेड प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो वो आपको फेक प्रोडक्ट कंप्लेन आए, तो आपको अकाउंट होल्ड हो सकता है, या आप प्राइवेट लेवल पर सेल कर रहे हो, प्रोडक्ट में खराबी आए, बहुत नेगेटिव मार्किंग हो रहा है, ज़्यादा रिटर्न्स आ रहे हैं आपका प्रोडक्ट का, तब भी आपका अकाउंट होल्ड हो सकता है नेगेटिव मार्किंग की वजह से या ज़्यादा रिटर्न्स परसेंटेज की वजह से। तो आप अगर कोई भी प्रोडक्ट आपका ज़्यादा रिटर्न आ रहा है तो आप तुरंत उस प्रोडक्ट को सेल करना स्टॉप कीजिए, उसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेट कीजिए क्यों आपको प्रोडक्ट रिटर्न आ रहा है, पहले वो सोल्यूशन कीजिए, देन वो प्रोडक्ट फिर से सेल करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपका रिटर्न रेट फिर ज़्यादा हो जाएगा तो आपका अकाउंट होल्ड हो सकता है, या तो फिर अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड हो सकता है, बट उससे पहले कुछ नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, अगर वो नोटिफिकेशन आप फॉलो नहीं करेंगे तो उसके वजह से भी आपका अकाउंट बंद हो सकता है।
थर्ड जो पॉइंट मैं बताऊंगा कि पैकेजिंग, रिसेंटली फ्लिपकार्ट ने बताया है कि पैकेजिंग जो ग्रीन पैकेजिंग है, जहाँ पे कुछ कुछ स्टेट में अभी फिलहाल जो पैकेजिंग है पॉली पैकेजिंग वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो उनको वहाँ पे आपको ग्रीन पैकेजिंग यूज़ करना हो रहा है या कार्डबोर्ड की जो पैकेजिंग है वो यूज़ करना हो रहा है। अगर उस पैकेजिंग के थ्रू आप प्रोडक्ट को वहाँ पे नहीं भेजेंगे, आप नॉर्मली पॉली पैक में भेज रहे हैं, जो कुरियर बैग है उस पर आप भेज रहे हैं, तो एक दो बार फ्लिपकार्ट आपको चांस देगा, आपको बताएगा कि आप ये जो कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे आपको ये पैकेजिंग भेजना है। अगर आप फिर से वो बात को तक ध्यान नहीं देंगे तो आपका अकाउंट होल्ड हो जाएगा वो 5-7 डेज़ के लिए, उसके बाद फिर से अगर फिर से आप करेंगे तो 14 डेज, और 4th टाइम में जाके आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये हो गया पैकेजिंग, ब्रांड नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट मतलब फेक प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसके वजह से, या तो फिर आप जो ऑर्डर्स हैं वो आप जो रिटर्न की वजह से, और ये भी हो सकता है कि आप RTD लेट के मतलब लेट डिस्पैच रेट अगर आपका हाई हो गया, कि अगर आप जो प्रोडक्ट डिस्पैच कर रहे हो वो लेट डिस्पैच कर रहे हो, कि आपको पता ही नहीं है प्रोडक्ट स्टॉक में है कि नहीं, आपने प्रोडक्ट का ऑर्डर ले लिया बट आप बाद में देख रहे हो प्रोडक्ट स्टॉक नहीं, आने में थोड़ा टाइम लगेगा बट कुरियर बॉय आपके पास चला आया है प्रोडक्ट को पिकअप करने, तो आप उनको बता रहे नहीं कल आ जाओ, आज नहीं मेरे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है कल आ जाओ, तो इसमें क्या होगा रीअटेम्प्ट हो जाएगा, जितना रीअटेम्प्ट आपको होगा आपके तरफ से उतना ही आपको नेगेटिव मार्किंग कैलकुलेट होगा, और उस पर भी अकाउंट हेल्थ का भी असर पड़ सकता है। तो और एक बात, आप 24/7 आप अपना जो अकाउंट है उन पर आप अपना जो स्टॉक है वो अपडेट रखिए, क्योंकि कौन कौन प्रोडक्ट आपके स्टॉक में है, कौन प्रोडक्ट आपके कौन कौन सा प्रोडक्ट स्टॉक में नहीं है, वो 24/7 आप अपडेट रखिए, क्योंकि हो सकता है आपके पास अपडेट नहीं है, ऑर्डर आ गया है बस प्रोडक्ट आपके स्टॉक में नहीं है, आप वो ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं, तो इस वजह से भी आप ज़्यादा आपका कैंसिलेशन रेट ज़्यादा होगा, तो आपका अकाउंट पे भी हेल्थ का भी असर होगा और आपका अकाउंट का जो परफॉर्मेंस है वो कम होता जाएगा। तो बहुत सारा कारण है इसके वजह से आपका अकाउंट होल्ड हो सकता है, ज़्यादा रिटर्न्स, ऑर्डर कैंसिलेशन, फेक प्रोडक्ट सेल, तो बहुत कुछ आपको ध्यान में रख के आपका जो जो अकाउंट है वो मैनेज करना है, आपका जो अकाउंट है उसको हेल्थ को ठीक रखना है, तो हर पॉइंट पे आपको ध्यान में रखना है कि अकाउंट का जो परसेंटेज जो कितना जा रहा है, क्यों मेरे अकाउंट में ऐसे ऑर्डर्स कम हो रहा है, कितना क्यों मेरा नेगेटिव मार्किंग हो रहा है, क्योंकि अगर कोई भी आप फॉल्ट करेंगे तो मार्केट प्लेस आपको बताएगा, तुरंत आपके ऊपर एक्शन लेना है, अगर आप उस एक्शन को इग्नोर करेंगे तो आपको अकाउंट का ही असर होगा, और बाद में आप जब आपका अकाउंट होल्ड हो जाएगा या सस्पेंड हो जाएगा तो वो कोई भी कारण की वजह से अगर अकाउंट ऐसा हो जाता है तो आप कभी भी ऐसा हुआ है कि आप वो अकाउंट एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बार फ्लिपकार्ट आपको बताएगा कि आप कंट्रोल कीजिए, आपका अकाउंट को देखिए, अगर आप जब तक वो नहीं फॉलो करेंगे तो तब तक वो अकाउंट सस्पेंड भी हो जाएगा, और बाद में आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिशन के वजह से सबमिट नहीं करने के वजह से आपका अकाउंट टोटली ब्लॉक हो जाएगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारा कारण है, जो कुछ कारण मैंने यहाँ पे बताया कि इस वजह से आपका अकाउंट होल्ड हो सकता है, आप फर्स्ट में ही आप थोड़ा पॉलिसी को पढ़ लीजिए अकाउंट क्रिएट करने से पहले, और ऑर्डर के टाइम आप जब प्रोसेस करते हैं, जब प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, सब टाइम पे पॉलिसी को ध्यान में रखिए, और प्रोडक्ट को प्रॉपर वे से आप प्रोडक्ट को परचेज भी कीजिए और लिस्टिंग भी कीजिए, ताकि आपका अकाउंट को कभी भी होल्ड या सस्पेंड ना हो। तो ये बस कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना था कि आपको अकाउंट को कैसे आपको मैनेज करना है, अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो, आपका अकाउंट होल्ड पे जाए, आपको क्या करना है, क्या क्या ध्यान में रख के आपको प्रोडक्ट लिस्ट करना है, क्या क्या आपको ख्याल में रख के आपको अकाउंट को एक्टिव रखना है, तो ये इन्फॉर्मेशन का आपको इस वीडियो में मेरे को देना था। तो उम्मीद कर तो अकाउंट सस्पेंड के ऊपर थोड़ा जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए था, जिसके बारे में आप क्वेरी की थी, उसके बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया है। तो अभी भी इसके ऊपर कोई भी क्वेरीज है, अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या तो फिर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर भी आप ज्वाइन करके मेरे से पूछ सकते हैं। और अभी भी आप हमारे चैनल में नए हैं तो फिर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई वीडियोज आप हमारे चैनल की मिस ना करें, और आप हमारे चैनल को सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए।